हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड क्राफ्ट तो लाई हूँ आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सा फ्रॉक बनेगा और बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनेगा इस तरह से बिल्कुल क्लोज नेक में मैं इसको बनाऊंगी बनाऊँगी इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल लेयर में कपड़ा रखा है अभी इसको हम फोर लेयर में फ़ोल्ड कर देंगे तो ये फ़ोर लेयर में मेरा कपड़ा आ गया है ये देखिए दो लेयर्स ऊपर की तरफ हैं और दो लेयर नीचे की तरफ हैं तो पूरी चार लेयर्स हो गई चलिए अब इसको हम मेज़र करते हैं यहाँ पर पंद्रह इंच में मेज़र कर लेती हूँ पहले पंद्रह पंद्रह इंच दोनों साइडों पे निशान लगा के ये देखिए फिफ्टीन इंच पंद्रह इंच दोनों पे निशान लगा के दोनों साइड्स पे इस कपड़े को हम कट कर लेंगे फ्रंट कट वाला ये डिज़ाइन बनेगा फ्रंट नेक में जो फ्रंट कट आएगा वो बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक है ये सो so, इसको हम अभी यहाँ से कट कर लेंगे तो ये पीस हमारा कट गया नीचे चून चूनट डालने के लिए जो नीचे घेरा होता है फ़्रॉक का उसके लिए अब हम निकाल लेंगे चोली तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है कपड़े की मुझे यहाँ पे सिर्फ आठ इंच रखनी है तो मैं उसी हिसाब से इसको मेज़र कर लूँगी आठ इंच तैयार और एक इंच एक्स्ट्रा नौ इंच पे मैं इसको मार्क कर दूंगी तो नौ इंच हमने चौड़ा कपड़ा जो है फोल्ड कर दिया है अब नौ इंच ही हम इसकी लेंथ भी रखेंगे चोली की जो ऊपर का चोली हमने कट करना है उसकी नौ इंच हम लेंथ भी रखेंगे मार्क कर लिया अब शोल्डर की कटिंग करेंगे साढ़े इंच मैं यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ साढ़े इंच उसके बाद आम होल भी साढ़े पांच इंच लूंगी मैं अभी इसको हम आगे की ओर मिला देंगे और एक पूरा बॉक्स बना लेंगे अब एक इंच हम अंदर की ओर डीपनेस देंगे और इसको आम होल की शेप दे देंगे राउंड सी अब लगा लेते हैं फिटिंग का निशान यहां पे सात इंच हमारी यहाँ फिटिंग है तो साढ़े आठ के करीब मैंने यहां पे ले लिया है तो यहाँ पे हमने कर लिया है मार्क इसको अब नीचे की ओर जो कमर है उस पर निशान लगा देते हैं साढ़े सात इंच मैंने कमर पे रख दिया है इन मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे और बस इसको काट लेंगे आर्म होल, शोल्डर और फिटिंग की मार्किंग हमने कर दी है अभी इसको एज इट इज़ काट देंगे पूरा चलिए ये हमारा जो चोली है निकल गई है अब नेक का निशान लगाएंगे यहाँ देखिए साढ़े पांच इंच शोल्डर साढ़े पांच इंच आर्म होल साढ़े आठ इंच मैंने फिटिंग का लगाया और साढ़े सात इंच कमर का लगा दिया है चलिए ये मार्किंग पूरी हो गई अब यहाँ पे ढाई इंच पे हम मार्क करके नेक की कटिंग करेंगे ढाई इंच हमने ऐसे कट किया है डेढ़ इंच हम डीप कर देंगे डेढ़ इंच हमने डीप कर दिया है और इसकी हम कट कर, कटिंग कर लेंगे उसके बाद आगे वाला और पीछे वाला पल्ला अलग अलग कर देंगे चलिए यहाँ पे आगे वाला पीछे वाला पल्ला अलग कर दिया अब फ्रंट जो गला है जो पल्ला है फ्रंट वाला उसकी आगे से हम पूरा कट लगाएंगे और यहाँ पे देखिए ढाई इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और ढाई इंच हम यहाँ पे डीपनेस दे देंगे फ्रंट नेक में और आगे से हमने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है फ्रंट पल्ले को दो हिस्सों में अब अंदर की ओर यहाँ से आम होल की कटिंग करेंगे आधा आधा इंच हम अंदर की ओर कटिंग कर लेंगे ये देखिए आधा आधा इंच मैंने अंदर की ओर कट कर लिया है तो पल्ले हमारे दोनों रेडी हो गए हैं और नीचे की जो घेरा है वो भी कट गया है चलिए अभी हम आर्म्स निकाल देते हैं तो ये जो कपड़ा है इसकी हम आर्म्स निकालेंगे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसको चार लेयर में तो यहाँ देखिए इसकी हम जो ढाई इंच जो है डीपनेस दे देंगे दो से ढाई इंच तक आप बच्चों की डीपनेस दे सकते हो तो उसके बाद आगे मैंने यहाँ पे साढ़े चार इंच जो है मेरी फिटिंग तो साढ़े पाँच इंच मैंने आर्म्स की जो फिटिंग ली है अब इसको हम मिला देंगे दोनों को और कट कर लेंगे ढाई इंच या फिर दो इंच की आप आर्म होल में डीपनेस दे सकते हैं बच्चों की और आगे से साढ़े चार इंच और एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन साढ़े पाँच इंच मैंने रखा है तो ये लीजिए यहाँ पे आर्म्स की भी कटिंग हो गई है और हमारी फ्रॉक की पूरी कटिंग रेडी हो गई है अब हम यहाँ पे दो ढाई ढाई इंच की जो पट्टियाँ कट कर लेंगे जो हमने फ्रंट जो नेक में आगे पट्टियाँ लगानी हैं आगे वाले पल्ले में ये दोनों पट्टियाँ अटैच होंगी तो चलिए यहाँ पे कटिंग पूरी रेडी हो गई है तो स्टिचिंग कर लेते हैं अभी फ्रंट पल्ले को हम अलग कर लेते हैं ये देखिए ये फ्रंट पल्ला है अब जो हमने दो पट्टियाँ कट की हैं इनको यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेंगे दोनों को इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेंगे सिलाई कर लेंगे दोनों को अभी हमने सिलाई कर दिया है तो इसको अंदर की ओर फोल्ड करना है जो लेफ़्ट वाला पल्ला है उसकी पट्टी जो है बाहर वाली साइड पे रहेगी पूरी अंदर फोल्ड नहीं करनी है थोड़ी बाहर रहेगी ये देखिए इस तरह से ये एक, एक इंच के करीब ये बाहर की ओर है और जो राइट वाला साइड है राइट वाले साइड को हम पूरा अंदर फोल्ड कर देंगे राइट वाली साइड जो है वो लेफ्ट वाली साइड के ऊपर आएगी किस तरह से ये देखिए हम इसको इसके ऊपर इस तरह से ला के हुक्स लगाएंगे तो चलिए ये स्टिच कर लेती हूँ मैं और नीचे का जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे तो ये हमारा रेडी हो गया है आ, सिलाई करके अब ये देखिए इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे और आगे हुक्स लगेंगी फ्रंट पल्ला हमारा रेडी हो गया है बैक पल्ले को रखेंगे फ्रंट पल्ले के ऊपर और इसके शोल्डर दोनों अटैच कर देंगे तो यहाँ पे देखिए शोल्डर मैंने दोनों अटैच कर दिए हैं आप देखिए यहाँ पे ये एक हम उरे पट्टी ले लेंगे और गले के ऊपर पूरी ये पट्टी सिलाई करेंगे और इसको अंदर की ओर अच्छे से फोल्ड कर देंगे तो छोटी छोटी सी पाइपिंग हमने जो नेक के ऊपर रखनी है आधे आधे इंच की पाइपिंग रखेंगे नेक के ऊपर ये देखिए इस तरह से मैंने आधा आधा इंच रखा है और इसको अंदर की ओर फोल्ड किया है पूरा नेक हमारी रेडी हो गई है तो यहाँ नीचे से मैंने इसको सिलाई कर दिया है फ्रंट पल्ले को ना थोड़ा सा सिलाई किया ताकि हम इसको जो नीचे घेरा है चूनट जो पड़ेंगी वो हम डाल सकें आराम से तो यहाँ देखिए जो फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला है इसको हम अलग अलग कर देंगे तो फ्रंट पल्ले में इस तरह से हम रखेंगे जो चूनट वाला हमारा कपड़ा है तो इधर से पूरी चूनट डालेंगे फ्रंट और बैक दोनों में ऐसे ही करना है अभी थोड़ी सी एक डीपनेस देनी है फ्रंट और बैक पल्ले को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और साइड से जो आर्म्स वाली साइड है उस साइड से आधे इंच की डीपनेस दे देंगे ऊपर वाली साइड यहाँ हमने चूनट लगानी है ना वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर कट दे देंगे आधे इंच का तो ये मैंने देखिए यहाँ पे जो चूनट है ये अटैच कर दिए हैं फ्रॉक के नीचे घेरा पूरा अटैच हो गया है अभी आर्म्स अटैच कर लेते हैं तो यहाँ पे आर्म्स भी अटैच हो गई हैं अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे और बाकी का जितना फोल्ड करने वाला है उसको फोल्ड कर देंगे तो ये देखिए मैंने इसको पूरा बना लिया है नेक हमारा रेडी है आर्म्स हमारे रेडी हैं आपने पहने हुए तो बच्चे को देखा है तो बहुत ही सुंदर लगता है कॉटन के इस तरह के जो फ्रॉक बनते हैं घर पहनने के लिए बाहर पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये देखिए इसको नीचे से भी फोल्ड कर दिया है घेरा भी बहुत अच्छे से आ गया है चूनट वगैरह भी डाल दिया है और ये एक मीटर कपड़े से भी मेरा थोड़ा सा कपड़ा बच गया है तो वीडियो आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना ये देखिए आगे की ओर हमने हुक्स भी अटैच कर दिए हैं और नेक की जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आई है तो इसी तरह से आप भी अपने बच्चों के लिए ड्रेस बना सकते हैं तो ये फ्रॉक जो मैंने बनाई है तीन से चार साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छे से ये फिटिंग में आएगी इवन आप साढ़े चार साल तक भी इसको लगा सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर